हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज के ब्लॉग में शुरू करने जा रही हूँ, आज जो कुछ भी होगा डेली रूटीन आप लोग के साथ में जरूर शेयर करूंगी। सुबह का 9:35 हो चुके हैं, अभी मेरा बेटू सोया हुआ है, इसको उठाना है। कल से थोड़ा फिर सर्दी होने लगी है, गर्म था फिर थोड़ा सर्दी होने लगे, तो सुबह इसको काथा उड़ा दिया था लेकिन ये फेंक देता है रात भर, तो थोड़ा सर्दी भी लगी है। इसको उठाएंगे, इसको नाश्ता वास्ता खिलाना है, डेली रूटीन करना है, ये सब साफ करना है, फर्श वगैरह। मैं देर से उठी हूँ क्योंकि थोड़ा सर्दी लगी है, सर दर्द भी हो रहा है आज। बेकार नजर है ये, सुबह बहुत सर्दी था, अभी थोड़ा धूप निकल के थोड़ा आराम हो गया है। सुबह का नाश्ता मैं कॉफ़ी और मूली खा रही हूँ और बेटू उठ के यहाँ पे उसका मोबाइल देख रहे हैं। बेटू फिर बहुत मस्ती शुरू, तो ओ नो, ओ नो, पिटा खाया, ओ नो, थोड़ी देर भी चुप नहीं रहता है। बाय, खुशी हो रहा है, घूमने जाना तो खुश ही नहीं। थोड़ी देर काकू के साथ घूम के आएगा बेटू। बाय बाय नहीं कर रहे हो? बाय, क्या देख रहे हो? चले जाओ अंदर, चलो बाय। बाय, बेटू काकू के साथ घूर के भी आ गया है और अभी आके इसको स्नान करा दिया हूँ और अब इसको नाश्ता खिलाएंगे। मेरा हस्बैंड को ना चुपचाप कपड़ा धो देने पर वो बहुत गुस्सा होते हैं, तो मेरे माँ और हस्बैंड में एक ही जैसा आदत है। मेरे माँ खेत में काम करते थे तो गंदा कपड़े पहन के निकल जाते थे, तो मैं पकड़ के बोलती थी माँ मुझे वो कपड़ा दे दो मैं धो देती हूँ, तो माँ बोलती नहीं गंदा हो जाएगा, मैं खेत में जा रही हूँ, तो मैं पकड़ के दे दीजिए ना, वो गुस्सा करके वो देते थे कि ये लड़की मुझे अच्छी तरह से कपड़ा पहनने नहीं देते। ऐसे हस्बैंड भी करते हैं, तो आज भी मुझे डांटेगा लेकिन मैं बुरा नहीं मानूंगी क्योंकि मेरा मरे हुए माँ का याद आती है जब हस्बैंड ऐसा करते हैं। तो दोस्तों नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और हम लोग इस टाइम तैयार होके बाहर जाने वाले हैं, पता नहीं हस्बैंड कहाँ ले जाएंगे, देखते हैं। वो कुछ भी होगा मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, आप लोग मेरे साथ बने रहे। बहुत दिन बाद में हम लोग ने आज शाम का नाश्ता मुगलाई पराठा लेके आया है हस्बैंड जी ने, और हम लोग मिलके खा रहे, लेकिन ज्यादा स्पाइसी और ऑयली होने के कारण मैंने ज्यादा नहीं खा पाई। तब भी कभी कभी खाना अच्छा ही लगता है, तो हम लोग पूरा फैमिली एंजॉय करके खा रहे। ये
नशा भी क्या चीज़ है, मुझे नशा है प्लान लगाना, बहुत सारा प्लान लगाना। और दो साल बातों के किस्से मैं सुना रही हूँ। जब हम लोग इस फ्लैट में नए नए आए थे तो सुबह के टाइम था, ऐसे मैंने जग में पानी भर भर के ऐसे प्लांट पे पानी डालते थे। तो हम लोग टॉप फ्लोर में रहते हैं, नीचे बालकनी में बहुत सारा लोग इधर उधर का बैठ के इतना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके बात कर रहे थे। तो मैंने तो पानी वो जग में भर भर के डाल दिया, तो नीचे से चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं चुपचाप आके वॉशरूम में अपना कपड़ा धोने लगा। वो लोग आया, आके मम्मी की थोड़ा डांट लगाई, मेरे कारण मम्मी ने डांट खाई थी। तो उसने उन लोग ने बताया कि सुबह नहीं शाम को जब अंधेरा होगा तब लगाने के बोला। तो उस टाइम से मैं शाम के टाइम में पानी लगाने लगी हूँ। सभी लोग गलती करके सीखते हैं ना दोस्तों, मैंने भी गलती की थी। तो उस टाइम मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रही थी कि नीचे अपनी लोग बैठ। हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे रख रही हूँ क्योंकि तबीयत भी उतना सही नहीं लग रहा। और आज हम लोग एक्चुअल में घूमने निकले थे शाम के टाइम में तैयार होके, और बेटू दोपहर में ना सोने के कारण जब हम लोग तैयार होके निकले तो बाइक में हाईवे में पहुंचते ही बेटू का नींद आ गया, वो सो गया, तो हम लोग वापस आ गया है और घूमने के लिए नहीं मिला। एक्चुअल में हस्बैंड हम लोग को वो फूल के गार्डन में ले जा रहे थे, और आप लोग को भी मुझे शेयर करना था लेकिन जाना नहीं हुआ। फिर कभी जाएंगे तो आप लोग को जरूर शेयर करेंगे। और आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, गुड नाइट।